गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? आई वेलकम यू ऑल टू दिस स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम. वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू द चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज डॉक्टर मोहम्मद इमरान एंड मिस्टर तौफीक अहमद सर, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कम्युनिटी इन रीच प्रोग्राम based on the theme learning English through physical activity. Thank you so much. So today, dear youngsters, we are going to start learning English grammar. We are going to start learning functional English grammar rather. I call it functional English grammar, not a core grammar. Rather, we are focusing on functions, the functional grammar. It means the functional part of the grammar which is usually used by the native speakers or by any English speaker. Whenever we speak in English, we use functional grammar. We focus on the functional tools of the grammar. Perfect. So the first topic in the functional grammar is, we call it action. Action. What's your name? Nidhi. Yes, sir. Are you in BPH? MPH first year. Oh, fantastic. So the first word is, dear youngsters, action. In Hindi, we call it kriya. In English, once again, we have another technical term, verb. Verb. जितने भी इंग्लिश है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? एक्शन की. हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं. वर्ब एक्शन. तो सारी जो कहानियाँ हैं ना वो एक्शन की है, वर्ब की. जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग हो रही है उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, यानी एक्शन को डिफाइन कर रहा है. ओके, आफ्टर डैट we have another thing, that is subject. Subject is again means the doer of the action. Subject means the doer of the action, the one who is taking actions. Like here I'm teaching you all, so what I'm doing, I'm taking action, and the action's name is teaching. Because I'm teaching now, this is why I'm saying I'm teaching. You are sitting here in this smart classroom, so I would say you are sitting. So sit is also a verb. Okay, so here the question is about the subject. Who is the doer of the action? You are sitting, so you is subject. I am teaching, I is subject. जो काम कर रहा है उसको subject कहा जाएगा, doer of the action. I, मैं, ठीक है. अभी फिलहाल मैं अपने लिए बात करूँगा तो मैं, आप अपने लिए बात करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे. You means second person, जिससे बात करी जा रही हो. तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, ये सारी बातों के अंदर में जो तुम है वो कौन है, यू. ओके, एंड देन ही, वो कहाँ था या वो कहाँ थी. ही की जगह शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है. बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, वी आर एट द आउटसाइड, वी आर लर्निंग एट द आउटसाइड, वी आर एट द इनिशियल स्टेज एक्चुअली. सो आई हैव जस्ट रिटन ओनली थ्री सब्जेक्ट्स, आई, यू एंड ही. आई, रिपीट आफ्टर मी, आई, यू एंड ही. आई, यू एंड ही. ओके, फर्स्ट पर्सन इज नोन एज आई. ठीक है, फर्स्ट पर्सन मीन्स जो भी काम कर रहा है, जो भी डिस्कशन के अंदर में इनिशिएट कर रहा है बात को या किसी भी एक्शन को, वो आई कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ. आपके केस के अंदर में सपोज आप अपनी मम्मी को रिपोर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं कौन हो गया यहाँ पर, आप. तो उस केस के अंदर में आप कौन हो गए, फर्स्ट पर्सन. तो ये डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पर, बट आई मीन्स फर्स्ट पर्सन. सो आई हैव गिवन थ्री एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ. सो राइट नाउ यू आर राइटिंग समथिंग, सम स्टफ. आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ. आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ या मैं बैठी हुई हूँ. ठीक, जस्ट लिसन रिद्धि, जस्ट लिसन. आई प्रोवाइड ऑल द नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आई प्रोवाइड ऑल द नोट्स. एंड आफ्टर डैट वी हैव सेकेंड पर्सन, यू. ओके, कम्युनिकेशन के अंदर जो बात कर रहा है वो तो है आई, और जिससे बात करी जा रही हो वो कौन है, यू. सेकेंड पर्सन या यू, उसी को सेकेंड पर्सन भी कहा जाएगा, यानी तुम, जिसको हम तुम कहते हैं. अब ये तुम कोई भी हो सकता है. ठीक है, यू आर राइटिंग,
you are learning, you are sitting. I have given three examples. थर्ड पर्सन इज ही, ही शी इट नेम, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक, आकाश, शंकर, दीपू, दीपक, अहमद, आयशा, पीटर, जॉन, मैक, कोई नाम भी हो सकता है. इट भी थर्ड पर्सन के अंदर में शामिल किया जाता है. ही इज राइटिंग, ही इज लर्निंग, ही इज सिटिंग. अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इज है ना, इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब. तो इसके पीछे पूरी साइंस है, कुछ डिटेल्स हैं जो इस पीपीटी में आगे आएंगी, वहाँ हम लोग इसको डिटेल में ले जाकर समझाएंगे और काफ़ी अच्छे से थोरोली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर के अंदर में जो बात समझी है, वो सिर्फ समझिए, देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन की एग्जाम्पल हमने समझी आए, सेकेंड पर्सन में हम लोगों ने लिया यू, थर्ड पर्सन में हमने लिया ही. और भी होते हैं, देर इज ए होल डिटेल गोइंग टू कम विद इन 5 मिनट्स. या दे कैन कम. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही. ये तीनों ही कैसे हैं? सिंगुलर हैं. तीनों ही कैसे हैं? सिंगुलर हैं. एक वचन है ये, एक है, बहुवचन नहीं है, एक है, ये सिंगल है. ठीक है, अब ये यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है, एक्चुअली स्लाइड के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया. आई विल टेक इट लेटर, नॉट राइट नाउ. ओके, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट, आई विल टेक इट लेटर. नाउ द स्लाइड और द मेन टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड. We are talking about the first person. First person, in first person we have two parts, or the two persons, first person singular and the first person plural. First person singular, I, जो कि आप हो सकते हैं, मेरे केस में अभी मैं हूँ. And the first person plural is we, हम सब. ठीक है ना, we. It's not we, it's we. Okay, we'll talk about the pronunciation part later. We have specific classes for pronunciation part. Now we are focusing on the grammar. So first person singular includes two, I and we. And after that we have second person. In second person, second person singular and plural, you and you all. ठीक है, अब ये जो है ना, बोलने के अतबार से तो you है, यू तो समझ आ रहा है, तुम सब ऐसे बोलते हैं ना, तुम सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जैसे बोला जाएगा तुम सब एब्सेंट थे, तुम सब लेट आए थे, तुम सब जल्दी आए थे, तो यू ऑल भी बोला जा सकता है. ठीक है, तो उसको फिर हम लोग क्या बना देंगे? प्लूरल. यू ऑल की जगह हम लोग यू भी यूज कर लेते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द राइटिंग सिचुएशन. ठीक है, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी डेट एवरी टाइम इफ यू आर रेफरिंग टू अ होल क्लास और अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट डजेंट मीन डेट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू यूज यू ऑल. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी क्लास को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहे हो तो यू ऑल बोलोगे. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बात कहनी है पूरी क्लास से कि आप लोग कल लेट आए थे, ठीक है ना, या लेट थे, यू आर लेट यस्टरडे, यू आर लेट यस्टरडे, यू ऑल वर लेट यस्टरडे, सिंपल, यू आर लेट यस्टरडे. सो बॉडी लैंग्वेज भी रोल प्ले करती है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरी क्लास के अंदर में यू आर लेट यस्टरडे, यू ऑल वर लेट यस्टरडे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारी बात का, हम जो बात कहने जा रहे हैं वो किस सेंस में बात बोली जा रही है. दूसरी बात यह है, बॉडी लैंग्वेज इट प्लेज अ की रोल, उससे भी पता लगता है कि किससे क्या बात कही जा रही है, किस सेंस में क्या बात कही जा रही है. बट चूंकि जब ग्रामर की बात होती है ना, तो हमारी जिम्मेदारी होती है एज अ ट्रेनर कि हम एक बात को ओपनली, पूरे तरीके से एक बात को ओपनली बता दें कि इतने इतनी तरह की कैटेगरीज होती हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे. ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट रिद्धि? रिद्धि और सिद्धि, निधि, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. एंड रिमेंबर वन थिंग, एज वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस, इमिटेशन टेक्निक. व्हाट आई सेड टू सिद्धि, निधि, प्लीज फॉरगिव मी. सो रिमेंबर इमिटेशन टेक्निक. ओके, थर्ड पर्सन. सो निधि, नाउ योर आंसर इज हियर. As you are talking about they, yes, they can also be the part of, okay, third person. But in the third person category, we have the first category, that is singular. In singular, क्या क्या शामिल किया जा सकता है, क्या क्या include हो सकता है? He, she, it, names. अब ये name किसी का भी हो सकता है,
विशाल, आकाश, शंकर, अली, अहमद, आयशा, निधि, सिद्धि, एसेट्रा एसेट्रा. दे आर सो मेनी नेम्स विच वी कैन डिनोट. सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी रिलेटिव्स, सो मेनी कलीग्स, सो मेनी कजिन्स, सो मेनी नेबर्स, सो मेनी क्लासमेट्स, सो मेनी बैचमेट्स, सो मेनी रूममेट्स. वी कैन डिनोट देम विद देयर नेम्स. इट के अंदर में यूजुअली नॉन लिविंग चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है. इज इट योर बुक? इज इट योर पैन? तो इट क्या है? ये नॉन लिविंग को हम लोग इट में इंक्लूड कर लेते हैं. यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, हम चीज़ों का नाम भी ले सकते हैं. इज दिस योर बुक? सिंपल. सो इट डिपेंड्स. माई मदर, ओके, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई कजिन, माई बुक, माई फोन, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हर एल्डर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, हर कजिन, हिज कजिन, वट एवर. इतना कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है. व्हाट इज द थीम? द थीम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल की जाएंगी. You can wrote or write? Wrote. You said wrote. You can write this way. Write. Okay. You can write this way. Because wrote is a second form. Yeah, that's why I got confused. Yes, sir. You say wrote. Wrote. One. In between, while one was talking about that. Yes, sir. I think it was a mistake. I agree with this. But there might be a possibility that it was a mistake of pronunciation also. Actually, sorry for that. First, I got confused when you used wrote. We are talking for that sentence, we are talking right. And I got confused. Maybe it will be any grammatical rules for that. No, okay. It was not. It cannot be wrote. Or it depends upon the context. Okay. Third person plural. ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो ना इंग्लिश के अंदर में, वो भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर में स्पेशली, तो जिस बंदे ने जो बात जिस टाइम पर गलती की हुई है, सपोज अगर आपको लग भी रहा है कि ये गलती है, तो उसी वक्त पूछ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज में पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई थी. सो देर इज़ नो रिजिड रूल लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, लाइक 2+2=4, a+b² दिस एंड दैट, लाइक दिस. नो, थर्ड पर्सन प्लूरल. सो निधि, योर आंसर इज हियर दे को हम लोग इंक्लूड करते हैं, और इसको थर्ड पर्सन इसलिए कहा जाता है, जब भी हम लोग दे को डिनोट करते हैं ना, तो दे की मीनिंग होती है कई लोग हों जिनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा हो, और वो अभी कम्युनिकेशन का पार्ट ना हो. जैसे कि अभी कुछ बच्चे अराउंड 30-40 जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्रिकेट अकेडमी के, दे आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, राइट और रॉन्ग. सो आई कैन से डैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो दे कौन है? वो अभी यहाँ हैं. ठीक है, हाँ. तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो कैटेगरी है ना, इसको समझने का यही आसान तरीका है कि थर्ड पर्सन हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, सेकंड पर्सन हमारे सामने प्रेजेंट होता है किसी भी फॉर्म में हो. अब अगर हम किसी से टेलीफोनिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बंदा इन पर्सन तो नहीं है, बट बात उसी से चल रही है, तो इन पर्सन नहीं है. नॉट लिसनिंग टू होम वी आर टॉकिंग टू होम वी आर कम्युनिकेटिंग, जिससे हमारी बात हो रही हो, जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा हो. अब वो कोई भी हो, चाहे वो गूगल मीट पर हो, चाहे वो जूम में हो, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, कुछ भी हो, वो हमारे सामने होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होना चाहिए हमारे साथ में. ये मेन डिफरेंस है. ठीक है, ये बात मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ डैट कि इसके अकॉर्डिंग ही ग्रामर चलती है. थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि इस स्लाइड के अंदर में इंक्लूड किए गए हैं. तो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर? वी कैन इंक्लूड दे, माय पेरेंट्स, हर चिल्ड्रन, हिज फ्रेंड्स, हर क्लासमेट्स, माय कजिन्स, माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स. निधि, प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स. हर क्लासमेट, माय कजिन्स, माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स. ओके, फैंटास्टिक. आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस अल्ताफ वंस अगेन ऑल द वर्ड्स. And listen my pronunciation. Listen, Nidhi, listen my pronunciation. They, my parents, her children, his friends, her classmates, my cousins, my siblings, my friends, my colleagues. Pronounce like this. Energetic. Give energy. Feel the things. Feel the concept of the language. Feel the message you are going to convey. Feel the message you are going to transmit to the other person. Okay. So listen one thing. Though we are studying grammar,
though teachers, usually the English teachers teach English grammar like mathematics or physics, they make it a boring stuff. But here the methodology we are following is quite different. We try to make it quite engaging, creative and enjoyable. We try to make it joyous, okay, not a boring stuff. So what I'm trying to say is that if you are communicating to a person, don't communicate like a robot, rather like a robot. Yeah, robot. Like a robot, not like a robot, rather like a human, So what is the difference between the robots and the humans is the feelings. So wherever it's necessary to give stress, give stress. Wherever it's necessary to give a rising tone or a rising pitch, so give a rising pitch. Wherever it's necessary to give a falling tone, so give a falling tone. Okay? Yeah. So wherever it's necessary to connect the words speedily, then connect the words speedily. And wherever it's necessary to pause, then pause. Actually, if you follow these rules, you can beautify your communication and the people will remain spellbound before you. Wow, how the guy, how the girl, how the participant, how the teacher, how the trainer is pronouncing the words, how the trainer, how the teacher, how the professor is delivering a lecture. Wow, fantastic. So you will become inspirational for others. You will become a motivational figure for others. People will copy you. People will salute you. People will say to you that I also want to learn like you, from where you learned all these things. Yes, what is your question? Yeah, I was saying that it depends on emotions and the practice. Yeah, but obviously. You have spent lots of time on that. I fully agree with you, Altaf. And listen, one thing. There is a trickle-down approach. Trickle-down approach. We are studying a language. So language means to speak with the people, to communicate with the people, to transmit the ideas. Okay. So say for example, if a guy is just studying cricket theoretically, how to throw a ball, how to do batting, how to do fielding, how to do warm-up exercises. He is just sitting in the classroom on his desk and he is just studying theoretically about the cricket. Is it possible for him to become a master blaster like Sachin Tendulkar? What do you say, Nidhi? Is it possible for a guy who is just sitting on the desk? No. Who is just learning the cricket theoretically? Yeah. It's not possible. So to become like Sachin Tendulkar or to become like Virat Kohli, or there are so many cricketers, I'm not able to recall their names. Okay. So it's not possible to become a cricketer by sitting in the classroom. He or she has to be on the ground. He or she has to practice playing practically. Similarly, if you're talking about speaking English, if you are talking about speaking English, then what is the approach? What is the mantra? The mantra is to speak freely. To speak freely without any fear. And if you have fear, if you fear that what the people will say, people will laugh. So let them laugh. Let them laugh. We are saying laugh. Okay, yeah, are you saying something? Laugh or laugh? No, I'm just saying that earlier we are pronouncing it laugh. Laugh. And now I hear by you. No, there are two things. Basically, the spelling is same, yeah. But the pronunciation for the Britishers is laugh. For the Britishers, the pronunciation is laugh. For Americans, the pronunciation is laugh. Yeah. You can follow either one. There is no problem. Okay, so here. Both are true. Yes, yes, there is no issue. Okay, just be cool and calm with pronunciation. The core thing or the important thing from your part, on your part, is that pronounce well and clear. Pronounce well and clear. Okay? Parents. Parents. When we pronounce pa sound, so we do not pronounce pa. Rather, it's pa. 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 Pa, 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 pa. Let me tell you a big difference. Let me tell you a difference similarly, simply. जब हम लोग पा को pronounce करेंगे ना, say पा, अपना हाथ इस तरीके से रख कर देखिए एक बार, पा, तो हवा नहीं आएगी ज्यादा, air ज्यादा बाहर नहीं आएगी, पा, ठीक है, अभी बोलिए पा, 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 हवा ये ना बाहर, बस ये वाला pronounce करना है, okay? Parents, my parents, okay? So we are heading on the next slide.
यहाँ कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि पीछे जो कुछ भी हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसी को मैंने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की हुई है। एक बार बस स्लाइड को देख लीजिए आप लोग। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ये तो एक ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ प्रोनाउंसिएशन की भी बात नहीं है, एवरी थिंग इज ऑलरेडी रिटन, ऐसा नहीं है। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डाउट देन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दिस डाउट, ओके लेटर। तो एक बार रीड कर लीजिए, बस सारी बातें वही हैं, हम लोगों ने उसी को समराइज करने की कोशिश की हुई है। फर्स्ट पर्सन, लेट मी टेल यू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन शामिल होता है, एक ही पर्सन को हम लोग डिस्कस करते हैं, डेट इज़ आई, ठीक है। यूजुअली हम लोग इसको आई बोलते हैं, आई, इट्स नॉट आई, इट्स आई, आई, आई एम, आई एम, ओके। एंड देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर में भी एक ही पर्सन का जिक्र होता है, डेट इज़ वी, ओके। सिमिलरली सेकंड पर्सन सिंगुलर के अंदर में यू को ही डिनोट करते हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल यू ऑल, ओके, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज दिस टू। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर मेनली चार एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, मेनली चार, ही, शी, इट, उसके बाद में ये जितने भी हैं वो सब क्या हैं, नेम्स हैं, दे ऑल आर, इंस्टेड ऑफ ही शी वी आर यूजिंग नेम, ही शी इट एंड नेम्स, नेम्स। थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर में हम लोग दे को इंक्लूड करते हैं, और क्या इंक्लूड करा जाएगा, माय पेरेंट्स, हर चिल्ड्रन, हिज क्लासमेट्स, तमाम वो चीज़ें जहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और वो प्लूरल हो, ठीक है, वो माई कलीग्स हों, माई पेरेंट्स हों, माई क्लासमेट्स हों, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक छोटा सा टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा पर्सन क्या है, यानी कैटेगरीकली आप मुझे डिफाइन कीजिए, आए क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो पूरी डिटेल बतानी है, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यस शी इज राइट, प्लूरल, वी मीन्स हम सब, वी मीन्स हम सब, तो हम सब क्या होगा, प्लूरल होगा, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके, माई फादर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फादर एक ही होते हैं, ओके, माई मदर, माई सिस्टर, His brother, his brother, third person singular, her cousin, third person singular, his brother is a third person singular, third person singular, say for example, brothers is plural, brothers is plural, ji, his wife, third person singular. अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो यहाँ पर बात आ रही है his की, his her, तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए आप, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं, और हम और ये जो बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं आपके कज़िन की, तो मैं बोलूँगा, आप हमारे कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो मैं बोलूँगा हिज कज़िन इज़ परसुइंग और प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, हिज कज़िन, हिज ब्रदर, हिज मदर, तो वो अभी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है ना, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसलिए वो भी क्या है, थर्ड पर्सन है। माई सिबलिंग्स, प्लूरल होगा ये, है ना, भाई बहन, सिबलिंग्स के अंदर भाई बहन दोनों इंक्लूड करे जाते हैं, हर चिल्ड्रन, नो, सिर्फ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को इंक्लूड करते हैं, नो कजिन्स, सिबलिंग्स, हर चिल्ड्रन, थर्ड सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, Children is always plural. Child is always singular. My cousins, my friends, third siblings, my child. Yeah, singular, third person. Third person.
So singular first person. My child. मैं और आप बात कर रहे हैं और आप अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हो जो घर पर है, बात अभी मैं और आप कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा. माय क्लासमेट्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय नेबर, ये सिंगुलर है, एस लगाते हैं नेबर्स के साथ. Our neighbors are being noisy today. इस तरीके से बोला जा सकता है, हमारे neighbors, ठीक है ना? One, तो ये singular होगा. His classmates. My gym coach. Oh, fantastic. Nidhi, your grammar is quite good. I salute. So these are the parts of speech. Okay, go through with it. Once, I'm giving you 20 seconds to go through with the slide. Got the point? ये आप लोगों ने इससे पहले discussion में कहीं ना कहीं school time में पढ़ा जरूर होगा. Noun. मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लीजिए. Noun. Noun. Pronoun. Verb. Adverb, adjective. हाँ, यहाँ पे एक बात बतानी थी important. हाँ, ये जो D है ना, इसको pronounce नहीं करना होता है, silent में रखते हैं. Adjective. D silent है, तो A को पढ़ेंगे directly, फिर J को पढ़ेंगे. Adject, adjective. 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 Okay. अब एक और बात होती है प्रोनंसिएशन, जब हम लोग किसी बात को एज अ ट्रेनर जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना किसी को, तो हम लोग क्या है ना उसको बहुत खोल खोल कर ओपनली एक एक स्लॉट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने अभी बोला एडजेक्टिव, ओके, बट जब आप फिल्म में बोलेंगे फ्लुएंटली तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे. लाइक से फॉर एग्जाम्पल कहीं आपने बोल दिया इस तरह से, टुडे वी आर स्टडिंग एडजेक्टिव. Okay, now rather you should say today we are studying adjective. तो मेरा टोन डिफरेंस हो गया ना, डिफर कर गया. पहले मैंने क्या बोला था, एडजेक्टिव, क्योंकि मैं प्रोनंसिएशन बताने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं ये समझाना चाह रहा था कि साउंड किस तरह से निकलनी है. बट फ्लुएंटली हम बोलेंगे वी आर स्टडिंग टुडे एडजेक्टिव, इस तरीके से बोला जाता है. जी and there from Pakistan, Wasim Akram was invited there and he was telling a story on the same thing, because he was saying that we are new to English and we are not good in English and we have went in Australia for match and when we reached an airport and one driver has come to pick us and he was asking us that you have come here today. He was saying today in Indian or Pakistan American accent, today. And he was saying that you have come here to die. And he thought, he said that we thought that he said, you have come here to die. to die. No. No, it's completely wrong. Let me tell you. Sometimes it happens. This is the word. Yeah, today. तो ये जो टू है ना, तो यूजली तो इसको प्रोनाउंस करा जाता है हल्का सा टा 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 टा, ये टा साउंड है, ठीक है, और ये है शुआ साउंड. तो ये शुआ साउंड इतना सा प्रोनाउंस होता है बस, टा 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 टा, ठीक. फिर ये है डे, एक्चुअली मैं तो ये इस साउंड के अंदर में एक साउंड है, ए ई साउंड बोलते हैं इसको, ए ई. तो ये साउंड ए ई है एक्चुअल में, तो ये डा के साथ में मिलकर बनता है डे. तो ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स इसको प्रोनाउंस करते हैं डे डे. अब कभी कभी क्या है ना, स्पीकर का भी तो क्या मूड है, उसने क्या फोकस बनाया हुआ है किस बात पर, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है. उसने किस स्टाइल में बोला होगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है. ओके, आई डिडंट सी दैट वीडियो. But what I'm telling you,
इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग पढ़ेंगे टुडे. व्हाट आर वी स्टडिंग टुडे? ओके टुडे. अब ये भी मैंने स्लोली बोला तो आप लोगों ने पहचान लिया और मैंने बता भी दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ. अब अगर इसी को फ्लो में बोला जाएगा तो बोलेंगे व्हाट आर वी स्टडिंग टुडे. ओके तो पता भी नहीं चलेगा. लेकिन डे पर ए साउंड पर फोकस है. अमेरिकन इस ए साउंड को कम पढ़ते हैं, इसकी जो टेल है वो कम कर देते हैं, वो सिंपली बोलते हैं टुडे. सिंपल बस ये डिफरेंस है मेनली. तो अब उसने कहीं जोक बनाने के लिए पकड़ ली होगी कोई बात, क्या कर सकते हैं. ओके फोकस ऑन द मेन टॉपिक. हाँ हम लोग थोड़ा सा एक रीकैप ले लेते हैं. एक टॉपिक है जो कि हम लोगों ने वी डिस्कस्ड अर्लियर, थिंकिंग स्किल्स. तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं बस विद इन 2-3 मिनट्स. मैंने इससे पहले भी एक बात बताई थी अल्ताफ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन बिफोर द क्लास. यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है. आई वुड लाइक टू थैंक है, तो वर्ड क्या है यहाँ पर? टू थैंक, टू थैंक. If we will use S, it will be grammatically incorrect. We have that word also, but with a different combination. I'll tell you. Okay. Hold your question, I'll tell you later. Yes, Nidhi, you please come here. See the slide. Okay, repeat the slide. I would like to thank community and reach. Why are you coming so late? Why are you coming so late? Where were you? What's your name? My name is Rahul. Have seat. I have some work to ask. No problem. Sit. I'd like to thank. I would like to thank. ठीक है, normal speed पर पढ़ लेते हैं इसको एक बार पहले. Okay. I would like to thank. Community in reach. इन रीच प्रोग्राम, ठीक है. ये जो आर है इसको जितना सप्रेस किया जा सके उतना बेहतर है. इंडियंस यूजुअली प्रोनाउंस करते हैं, आप लोग इसे सप्रेस कर लेंगे तो अच्छा लगेगा. जनरली मैंने बताया था ये जो मैंट है इसको मैंट ना बोलकर मंट, मंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है. अब यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि ये जो ऑफ है ये ऑफ नहीं होता, ये अव होता है. अव औ औ औ औ आ साउंड है. आ आ आ औ औ. यहाँ एक बात समझाता हूँ, मेरी बात को और से समझने की कोशिश कीजिए. यूजुअली इंडियंस ये बात बोलते हैं जब हम लोग पार्टिसिपेंट्स को पढ़ाते हैं, कैंडिडेट्स को, तो दे से कि हमें क्या ज़रूरत है इतना एक्सेंट या प्रोनंसिएशन को सीखने की. एक्चुअली ये एक्सेंट नहीं है, ये प्रोनंसिएशन का पार्ट है. एक्सेंट इज़ डिफरेंट, प्रोनंसिएशन इज, दिस इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज़ डैट अगर आप सही प्रोनंसिएशन के साथ लैंग्वेज को बोलते हैं तो अपने आप फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी, अपने आप फ्लुएंसी अपने आप डेवलप हो जाएगी. ओके अगर सही प्रोनंसिएशन के साथ में बोलेंगे, जैसे कि अगर इसको बोला जाए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक तरीका हो गया बोलने का. एक दूसरा तरीका ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो अव को जल्दी प्रोनाउंस किया जा रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ छोटा, मैंने समझाने की कोशिश की है, मेरी जिम्मेदारी है समझाना. आप लोग जितना हो सकता है अभी जितना आप कर सकते हो उतनी, आप लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए प्रोनंसिएशन को ठीक करने की. ज़्यादा टेंशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. जी यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे मतलब होता क्या है? यहाँ पर जो मीनिंग है उसकी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है. डिपार्टमेंट है एक, ठीक है, एक जगह है, एक सेक्टर है, का है का. तो ये जो अव है ना या ऑफ बता रहा है किस का, कौन सा कैटेगरी के लिए यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन AMU. आप एजुकेशन बोलिए, ठीक है, एजुकेशन बोलिए सिंपली. AMU रिपीट करिए, ठीक है. ये एब्रीविएशन है, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है. तो एब्रीविएशन के लिए ज़रूरी होता है पॉज देना. कभी भी एब्रीविएशन रहे, आप एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ टीचर कहीं पर भी जाते हैं, एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, तो कहीं पर भी एब्रीविएशन आएगा वहाँ पॉज देना ज़रूरी हो जाता है. अब आप थैंक यू बोल रहे हैं, किसका थैंक यू बोल रहे हैं? प्रोग्राम का, जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? डिपार्टमेंट ने. फॉर गिविंग, किस लिए? फॉर गिविंग मी अ चांस टू इन्हांस माय कम्युनिकेशन स्किल्स. इस एस को ज़ा प्रोनाउंस करेंगी तो अच्छा लगेगा. स्किल्स, ज़ा स्किल्स. सम लीव सम पीपल, माई डियर, यस सम पीपल लीव सम पीपल.
मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ स्टैंडर्ड हम लोग कोशिश कर रहे हैं. प्रोनाउंसिएशंस एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन. इफ यू गो थ्रू आवर यूट्यूब देयर इज अ यूट्यूबर, हिज नेम इज अलीना रईस. शी वाज सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू लर्न एनी अमेरिकन एक्सेंट और द ब्रिटिश एक्सेंट और द कैनेडियन एक्सेंट और द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. We are Indians, we have our own accent, we have our own pronunciation. How is it possible that are we native speakers? No, we are not native speakers. Okay, so the thing is that just learn, try to learn the standard pronunciation simple. Try to learn the standard pronunciation, simply leave everything else. This is one thing. Another thing is that don't try to make the things hustle. Do not go in a haphazard manner. Rather, go in a step-by-step manner, jaldbazi, half-hazard manner. Okay, don't go with a, means at a high pace. Rather, go slowly. Whatever I'm teaching you, try to cope with some points. What is your main question, Altaf? Yes, you can sit. Just I want to know the pronunciation of the word which is part from S. Us? S. I think we are going in too much of the depth. There is no need to ask this much questions about the pronunciation. Actually, we are facing some kind of problem. It's a ocean, my dear. It's a ocean. You cannot learn anything, everything in one day or in one month. Yeah. एक problem है. मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ practically. ठीक है. हो सकता है मैं आगे time में ये बात repeat भी करूँ. आज भी बता देता हूँ. English एक ऐसी language है. ठीक है. जिसकी हम लोग बात करें ना, ये कहाँ गया English हमारा? ये जो phonetically नहीं लिखी गई. ठीक है. दुनिया में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो फोनेटिकली लिखी गई हैं, यानी उनकी लिखत और उनका साउंड सेम होता है. इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. जैसे कि लिखते हैं हम लोग हैं सी एच, प्रोनाउंस होता है चा. ठीक है. सी कभी कभी शा प्रोनाउंस होता है, सी कभी कभी सा प्रोनाउंस होता है. ऐसा क्यों है? सेम सी, तीन अलग अलग जगहों पे तीन साउंड निकलते हैं. उसके रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इंग्लिश नॉन फोनेटिकली रिटन लैंग्वेज है. उसके फोनेटिक साउंड्स अलग हैं और जो एक्चुअल उसके लेटर्स हैं वो अलग हैं. ये रीज़न है. इसकी वजह से हमें स्पेशली फोनेटिक्स को स्टडी करना होता है. और काफ़ी सारे लोग बोर हो जाएंगे क्लास के अंदर. डोंट एस्क दीज क्वेश्चंस. ओके, मेरे साथ में एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर मैं एक दो लोगों को बुलाऊंगा इसको पढ़ने के लिए. आई वुड लाइक टू थैंक कम्युनिटी इनरीच प्रोग्राम से लाउडली. गिव पेन टू दिस एरिया, गिव पेन टू दिस एरिया एंड सिट स्ट्रेट, नॉट इन अ कम्फर्ट जोन, सिट स्ट्रेट. ओके, मेक दिस होल पार्ट राइट फ्रॉम योर डायफ्राम टू दिस पार्ट. मेक दिस होल पार्ट स्ट्रेट, राइट फ्रॉम डायफ्राम टू दिस पार्ट. ओके, मेक द होल पार्ट स्ट्रेट एंड गिव पेन टू दिस एरिया एंड नाउ प्रोनाउंस. आई वुड लाइक टू थैंक कम्युनिटी इन रीच प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. I would like to thank Community in Reach Program, Department of Physical Education, AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. देखिए, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दे दिया है. अब ऐसे और कई फॉर्मेट्स हैं जो मैं दूंगा थैंक यू के लिए. इसी तरीके से कुछ फॉर्मेट्स हैं कंक्लूजन के लिए. इसी तरीके से एक फॉर्मेट है, कंप्लीट फॉर्मेट है. उसमें कुछ स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके एक प्रेजेंटेशन देनी चाहिए. अब आप दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी पोस्ट पर चले जाएँ, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब थैंक यू बोलना हो, जब आप मंच पर खड़े होकर किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करें, नेम्स चेंज कर देना और बोल देना और ये मैंने यहाँ पर याद तो करवा ही दिया है या नहीं. तो मैं आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ. आई एम ट्रेनिंग टू यू गाइज फॉर अ लॉन्ग रन, नॉट फॉर द शॉर्ट रन. गॉट द पॉइंट? हैव यू गॉट द पॉइंट? सो नाउ यू प्लीज कम, मिस्टर स्मार्टी, प्लीज कम, गिव अ स्माइल, अ चार्मफुल स्माइल एंड रिपीट द थैंकिंग स्किल. यस, कम इन मिडिल. Department of Physical Education, AMU, for
giving me a chance to enhance my communication skills. Clap for him. Even I'm also clapping. Your presentation was, it was really like cherry on the cake. Cherry on the cake. Cherry on the cake. Have your seat. What's your name? Both of you are friends? Yes. Oh, fantastic. We are classmates. Oh, give it a thumbs up for the friendship. You please come. Give space. Yes, please come. Say loudly and give pain to your jaws. I would like to thank community. Community in REACH program, Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication skills. Thank you. Have your seat. Clap for him. Okay, I'll provide you this part on your WhatsApp group. We have other formats of thanking skill also like this. And there are some others. So I'll teach you. Gradually we will learn the things. What is the time? The time is 5:30. 5:30 baje hai na? Isko kya bola jayega? Half past five. Simply. Okay? 5. Aur agar 5:15 baje hoti to? Quarter past five. Main bataunga ye sari baatein. I'll teach you in detail. I'll teach you a lot of things which YouTube cannot. Okay. अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप अभी बोलते cannot. Okay. But I am pronouncing it cannot. Okay. Usually we pronounce can't. But Americans pronounce can. Similarly, we pronounce will not. But usually in abbreviated form we pronounce want. Want. I'll tell you these things later, gradually. I'm just giving you, it's a third class, I think. Yes. It's a third class just. So these third classes are like demo. We are just playing some warm-up exercises, not the core cricket. Okay, Mehboob Alam, have you got the point? Mehboob, I like your smile. Keep smiling in the whole life. I pray your smile. We have numerous things to learn, like in this topic, we have this much things. I'm telling you. The topic's name is enrich your expressions. What is the meaning of enrich? Means develop. Means full. Like full. Means up to mark. You can say means... Toppings. What do you mean by toppings? Huh? Toppings. Pizza hota hai. Toppings hoti hai. वो उसको क्या करती है, ब्यूटीफाई करती है. टॉपिंग्स मींस लाइक चेरी, टमाटो, चिली, ऑल दीज थिंग्स वर देयर ऑन अ पिज्जा. पिज्जा के ऊपर कई सारी चीज़ें रखी रहती है ना, वी कॉल इट टॉपिंग्स. ओके, टॉपिंग्स. आई थिंक TO. आई टेल यू लेटर. सो हेयर द एनरिच मींस अ काइंड ऑफ टॉपिंग्स, मींस हाउ टू ब्यूटीफाई द कम्युनिकेशन. एनरिच बाय मीन हाउ टू ब्यूटीफाई. ओके, हाउ टू मेक इट ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक योर कम्युनिकेशन ब्यूटीफुल. So at the first slide in this topic, we have the expressions of happiness. And here, aap logon ke liye, it's quite, it's most useful in your domain, in your field, in your career, because you are from the background of sports and the physical education. So whenever you win a match, so I'm happy, I'm excited, I'm delighted, okay? I'm on cloud nine, I'm over the moon. Like this, there are so many. I have written only 8. There are so many expressions of happiness, but I have chosen only 8. So repeat after me. I'm happy. I'm happy. I'm pleased. I'm pleased. I'm glad. I'm glad. I'm delighted. I'm delighted. I'm in seventh heaven. I'm over the moon. I'm on cloud 9. I'm on top of the world. मैं एक आप लोगों को एक टेस्ट दे रहा हूँ और ये कह लीजिए एक चैलेंज दे रहा हूँ. क्या मैं एक बार और रिपीट करूँगा, क्या ऐसा पॉसिबल है आप में से कोई जो उसको इमीडिएटली याद कर ले सीरीज में और सुना दे यहाँ पर आकर. गिव अ ट्राई. ओके, गिव अ ट्राई. चेक योर IQ, चेक योर मेमोराइजेशन पावर. ओके, सो आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड, आई एम ग्लैड, आई एम डिलाइटेड, आई एम इन सेवंथ हेवन, आई एम ओवर द मून, I'm on cloud 9. I'm on top of the world. I'm happy. I'm pleased. I'm glad. I'm delighted. I'm in seventh heaven.
I am over the moon. I am on cloud nine. I am on top of the world. Okay, fine. Who would like to come first? Give a try. We are running short of time. Altaf, we are running short of time. Yes, please. No, you please come here. Before the camera, say all. No, see the camera. No. I am on top of the world. Okay, fantastic. अब आपको एक काम और करना है. It will help you a lot. See the slide. Take your position. See the slide. अब आप खुद अपनी मिस्टेक को चेक कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक की थी. There is another mistake. One. Another mistake. I am in seventh heaven. Have you seen? No problem. Make mistakes. We learn by making mistakes. Mistakes are our teacher. Altaf, you would like to try? I will. Clap for Altaf. Yes. Start. I am happy. I am pleased. I am judging. I am in seventh heaven. Would you like to take help? I am over the road. I am on cloud nine. I am on top of the world. I am glad. Yeah. Do we have those slips? Do we have those slips that we were using on Saturday? I don't know. Okay, no problem. All of you have notebooks? Yes. You? Borrow one. Do you have? Don't have. We don't have. Take this one. I will give one to him. Take this one. मैं अब आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों का जो मेन फोकस है, एज यू कैन सी द थीम, द मेन फोकस इज ऑन स्पोकन इंग्लिश. ओके, बट वी कैन नॉट कंसंट्रेट सोनली ऑन स्पोकन पार्ट ऑफ द इंग्लिश. बिफोर गोइंग टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्पीकिंग पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, स्पेशली द इंग्लिश लैंग्वेज, वी मस्ट लर्न ग्रामर ऑल्सो. ओके, तो दिस इज वाई अर्लियर इन द बिगिनिंग और इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्लास वी वर स्टडिंग the grammar, the English grammar, and I call this part of the class grammar doctor. Yes, but now we are focusing on the functional grammar part or the spoken part of the English language. So at the outset, we are going to start the spoken part of the language with family, means how to talk about family. Okay, this is quite interesting and it's a research based material. It's not a normal material. You cannot find such an approach on YouTube. I'll tell you the whole thing. Now, shall we start? Say by all means. Say by all means. By all means. By all means. Whenever I say shall we start, say by all means. By all means. By all means. Har hal mein, zarur. For sure. You can say for sure. We can use language in thousands of manners. Okay, in thousands of manners. Because of the old version of the PowerPoint here in this computer, the first line is not visible because of its color. But the first line is, let's talk about your family with red color.
So because of the old version, so I'll try to manage it. And I think because of the electricity issue also, it's going to die down. Might be possible. Yeah. Your family, the part one. No need to write. Okay. We'll play something. Okay. I'll teach you few things. So at the outset, I'm asking you one question. There is a blank people in my family. Some options are given or the possible answers. 10, 5, many, 3, 2, 5. So tell me your answers. Yes. How many people are there in your family? Many people. You have a joint family rather. Okay. Five. Do you have a nuclear family? Okay. Many. You also have a joint family. It's like a tribe. Yes. Six people. You also have a nuclear or an immediate family? Yeah. Nuclear family. Okay. Immediate and nuclear, more or less both are same. Immediate word is famous in Britain especially. Nuclear is more or less famous here in India. Okay, but both are same. I have written all the things. Don't worry about your confusions. I have written everything. Here we go. Say here we go. 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 Say loudly. Here we go. Here we go. Read the slide first. Done. Ask question. Question puchi. इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हो पूछिए. नो क्वेश्चन. सो लिसन, हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है. हम लोगों ने, हाँ, यस क्वेश्चन. आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स. No, it's bad. ये अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए. नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा. चूंकि आप खुद सोचिए, आप एक तो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, ऊपर से अपने भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल रहे हैं रूडली. कितना, इट्स वेरी बैड. बाय दिस सेंटेंस इट विल नॉट क्लियर हाउ मेनी सिस्टर्स. हाँ, क्लियर नहीं हो पाएगा. यू आर राइट, बिल्कुल ठीक. ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन पर ना जाएं, मेरी बात सुने. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रामर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रामर पूछना चाहता है इन सेंटेंसेस में भी, तो आई विल टेल यू इन नटशेल. आई विल ट्राई टू टेल यू, बट हियर द पर्पस इज नॉट द ग्रामर. हियर द पर्पस इज टू कन्वे द मैसेज, टू कम्युनिकेट. आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, मेरी बात सुने, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. तो इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा इस पैटर्न के अंदर. ये जो हमारा पैटर्न है ना, ठीक है ना, हमारे पास में कई पैटर्न्स हैं. एक वो पैटर्न है जिसमें हम एक्टिविटी करवाते हैं, करवाई थी ना उस दिन, जिम पूरा वो बनवाया था. ठीक है, एक वो पैटर्न है, एक ग्रामर का पैटर्न है, एक कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे थिंकिंग स्किल बताया, एक ये पैटर्न हो गया. एक ये पैटर्न है जिसमें कोर स्पोकन इंग्लिश वाली टॉपिक्स हैं. इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स इंटरव्यू रिलेटेड आएंगे, इसलिए इस तरह के सिली क्वेश्चंस के साथ अगर आप लोग आएंगे तो टाइम वेस्ट होगा अल्टीमेटली पूरी क्लास का, मेरा भी. जी सर, कैन यू यूज एनी अदर वर्ड इंस्टेड ऑफ कोर्स. ये स्लाइड बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी स्लाइड है, सिर्फ फैमिली के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे. डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड इमीडिएट फैमिली कुछ भी है. ठीक है, उसकी डिटेल अभी आने वाली है. फिलहाल राइट नाउ जो हमारे सामने टॉपिक है वो एक इमीडिएट, ये एक न्यूक्लियर फैमिली, ये एक ऐसी फैमिली जहाँ दो पेरेंट्स होते हैं यानी मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चों का जिक्र किया गया है. आप लोग भी इस स्लाइड के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के बारे में यानी मम्मी पापा वाली जो फैमिली है ना उसका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर. मैं बताऊँगा, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ. देयर आर फाइव पीपल, उसने पाँच बंदों के बारे में बताया हुआ है. इंटरव्यू के अंदर में भी आप इस तरह से बता सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इंटरव्यू में टाइम कम होता है. तो ये जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही है आपका. ओके, आई हैव टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स. ठीक है, एंड माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स. माई एल्डर ब्रदर इज डूइंग जॉब एट पाम ट्री होटल न्यू दिल्ली. माई यंगर ब्रदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड माई बोथ पेरेंट्स आर मैरिड, दे आर वर्किंग एज टीचर. ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा शॉर्ट के अंदर में उनकी डिटेल भी बता दी है, वो क्या कर रहे हैं ये बता दिया है. आप लोग अपने बारे में डिफाइन कीजिए. जी हाँ,
people. Huh. People. People in itself plural. Singular. Singular. People का. उसका नाम लीजिए बंदे का जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप. देखिए इन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर बता देता हूँ मैं यहाँ पर. अब हम लोग इसको हटा देते हैं. आप लोगों का सिंपली टास्क यहाँ पर यह है, वो सिर्फ एक एग्जांपल दी. आपकी फैमिली में पेरेंट्स कितने भाई बहन हैं, आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, अभी कहाँ हैं, उनकी डिटेल लिखनी है विद इन 5 लाइन्स और मे बी नॉट मोर देन 7 लाइन्स. लिखना स्टार्ट कीजिए. वो रूल मैं बताऊँगा अभी. मैंने स्किप कर दिया है जो आपका क्वेश्चन था, अभी बताऊँगा मैं. Including you. Including you. Sister. Brothers. Not sister-in-law. मम्मी पापा वाली फैमिली की बात चल रही है सिर्फ. Done. Have you done Altaf? Yes. ये बोलना भी है भी अगर आप लोगों को डाइस पर. वो आर यू इन BPH फर्स्ट सेम? नो सर, आई एम BPH फर्स्ट. ओह फैंटास्टिक. There are 4 people in my family, my parents, my sister and me. Okay. Have you done? So you please come and present. You please come with your notebook. Here are before the camera. Here are 4 members in my family. My mother and father. My one younger brother, his name is Amit Chaudhary. He is an athlete. And last member in my family. एक बार और पढ़िएगा. There are 4 members in my family. My mother, father, and my one younger brother. His name is Amit Chaudhary. He is an athlete. And last member in my family. देखिए मैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ उसके अंदर मैं एक बात ऐड करूँगा. अगर आप इंटरव्यू को ये बात बताने जा रही हूँ, इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू में बैठी हुई हैं, तो ये जो अमित चौधरी यूज़ किया ना इसे कट कर देना है. इंटरव्यूअर के सामने आप उसका नाम न लें, सिंपली बता दीजिए ही इज़ एन एथलीट, शी इज़ एन एथलीट, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन एडवोकेट, वट एवर. सिंपली नो नीड टू से द नेम्स. हैव यू सीट? यस प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, यू प्लीज़ कम. हेजिटेशन? नो. यस स्टार्ट. लाइन बाय लाइन पढ़ना है. अब अल्ताफ सुनिए भाई, ऋषि सुनिए, व्हाट सुनिए, इरफान सुनिए. हाँ लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा. फर्स्ट लाइन बस ये लाइन ठीक है. पैन कहाँ है आपका? देयर आर 4 पीपल इन माय फैमिली. ओके फाइन, ये लाइन ठीक है. नेक्स्ट लाइन. माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड मी. कहने का स्टाइल ही होगा, थोड़ा इधर आना है. माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड मी एंड हैव अ स्माइल. हैव अ बिट स्माइल. नॉट ऐसा नहीं कि पूरा हंस देना है जबड़ा फाड़ करके. नो कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन में हैं, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड मी, बॉडी लैंग्वेज के साथ में. नेक्स्ट लाइन. माय फादर इज अ ड्राइवर इन माय फादर इज अ ड्राइवर. बस आगे की लाइन पूरी कैंसिल कर दी, वेस्ट बंगाल तक पूरी कैंसिल.
इस सब का जिक्र नहीं होगा यहाँ पर अभी इस वाले टॉपिक में। एक टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर जहाँ हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, वो दूसरे पर्पस से है। फिलहाल हम लोग इंटरव्यूअर के सामने कैसे बोलें या कहीं पर भी इन शॉर्ट अगर हमें देना हो प्रेजेंटेशन अबाउट फैमिली, फैमिली के बारे में बताना है बस। कोई क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ही, ठीक है, आप PhD वाइवा के लिए बैठे हुए हैं, उसने पूछ लिया आपके सुपरवाइजर, सिंपली इन शॉर्ट कंसाइज आंसर किस तरीके से देना है उसका डिस्कशन है ये। वी हैव अ लेंथी डिस्कशन हो तो वो वाला लाइन काट देना है, नेक्स्ट लाइन। कोई बताएगा आपको ऐसे टिप्स इतनी डिटेल में जा करके? जी, नेक्स्ट लाइन। एंड माई सिस्टर इज परसुइंग डिग्री इन MU, इज परसुइंग ग्रेजुएशन, इज इन ग्रेजुएशन, और अगर वो फाइनल ईयर में है तो आप कह सकते हैं इज गोइंग टू फिनिश हर यूनिवर्सिटी, इज गोइंग टू फिनिश यूनिवर्सिटी, सिंपल, इज गोइंग टू फिनिश यूनिवर्सिटी दिस ईयर, इस तरीके से बोला जा सकता है। नेक्स्ट लाइन। एंड आई आल्सो स्टडीइंग इन MU इन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एंड आई एम स्टडीइंग इन MU, अगर ये बात बताना ज़रूरी है MU ये समझ लेना है तो आप बता दें अपने बारे में MU, अगर ये बात बताना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उस कंडीशन के हिसाब से, तो आप सिंपली कह दीजिए कि आई एम डूइंग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, आई एम डूइंग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ब्रिटिश एक्सेंट में आप कह सकते हैं आई एम डूइंग मास्टर्स, या सिंपल न्यूट्रल एक्सेंट में आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। थोड़ा एक्सेंट मारना है तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ओके। इसमें आप एक लाइन और ये ऐड कर सकते हैं कि लाइक आप कह सकते हैं कि टीचिंग इज़ माई पैशन, या कुछ भी आप अपना कोई हॉबी या पैशन या फ्यूचर प्लान का विद इन 3-4 वर्ड्स, नॉट लाइन, विद इन 3-4 वर्ड्स आप उसका जिक्र कर सकते हैं। इसको पूरी तरह करेक्ट करके दोबारा आइए। यस प्लीज़ कम अल्ताफ, कम फेस्ट। निधि, हैव यू गॉट ऑल द पॉइंट्स? आर यू गेटिंग? सी द अदर्स मिस्टेक्स, ओके, and try to learn everything. You are supposed to teach your juniors, your younger siblings also. Yes, Altaf, start. There are 8 people in my family. I have 2 brothers and 2 sisters. And I have a wife. And my parents, of course. My elder brother doing job in Ukraine. And my younger brother is studying AM. My both sisters got married. He was all about. Read once again. There are 8 people in my family. ये लाइन ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट लाइन, ये ठीक है, करेक्ट करें। नेक्स्ट लाइन, I have 2 brothers and 2 sisters. Next. And I have a wife. I'm married. Standard. Follow the standards. Okay. I'm married. Simply. Next line. Now you can say, I got married. I'm married. And my parents, of course. My elder brother doing job in Ukraine. And younger brother is studying in AM. What? BA. My younger brother is doing graduation. Simply. No need to mention AMU. अभी भी कुछ थोड़ी बहुत फ्रेमिंग में गलती है. We'll tackle later. Have your seat. Yes, please come. Read from your seat. Or it will take time. Read from your seat. Yes, say or say. There are 10 people in my family. Yes. People in my family. I have 4 brothers and 4 sisters, and also mom and dad. Okay. And 2 elder brothers doing business. My younger brothers are doing study. And my 4 sisters are married. Is studying. Is studying. Studying. Doing hata dijiye wahan se. No need to mention doing. Yes. Studying, is studying, doing हटा दीजिए। And four, my four sisters. Have you finished your work? And my 4 sisters are married. And my all the sisters, 4 sisters का जिक्र पहले हो गया ना, तो फिर अब last line में बोल देंगे and my all sisters are married, they are living as housewives. इस तरीके से बोला जा सकता है।
कोशिश ये की जाती है कि एक तो एक रूल है देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर बात, जो कम्युनिकेशन है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसके अंदर में रूल ये है देर शुड बी नो अंडर कम्युनिकेशन, नो अंडर कम्युनिकेशन एंड देर शुड बी नो ओवर कम्युनिकेशन। ना तो जितनी बात बतानी है तो हम कम बात बताएं, ना ऐसा हो कि जो बात ज़रूरी नहीं भी थी बताना, जो नेसेसरी नहीं थी एज़ पर द कॉन्टेक्ट एज़ पर द सिचुएशन, जो ज़रूरी नहीं थी वो भी हमने बता दी। दिस इज़ कॉल्ड ओवर कम्युनिकेशन, ना अंडर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देर शुड बी नो अंडर कम्युनिकेशन, देर शुड बी नो ओवर कम्युनिकेशन। यस प्लीज कम महबूब। तो वर्ड्स को रिपीट नहीं करना होता है, विद स्माइल, विद जेस्टर्स, विद बॉडी लैंग्वेज, गिव अ स्माइल। I'm passionate about becoming a physical educationist. To become a physical educationist. To become, corrected, to become a, see the mistake. So this way you will learn and you are supposed to teach this way to your candidates, your juniors, your students, okay? Yes. To become a physical educationist. Okay? तो ये सारी चीज़ें हैं, टेक योर सीट। सो ये एक लेसन का आधी स्लाइड डिस्कस की, हाफ ए स्लाइड ऑफ वन लेसन, और इस पैटर्न के अंदर में कई सारे लेसन्स हैं हमारे पास में। आप सोचिए कि अगर हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट 300 डेज के लिए भी चलाते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। ठीक है, रीड द नेक्स्ट लाइन। देयर आर रीड अब इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने अंकल आंट का भी जिक्र किया हुआ है, इफ़ यू हैव अ जॉइंट फैमिली, यानी थोड़ा सा हमने एक्सटेंडेड फैमिली का भी जिक्र किया है। न्यूक्लियर फैमिली के आगे कौन बढ़ता है? एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली को भी बोला जा सकता है। अंकल आंट का जिक्र किया है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी जिक्र किया है, अपने माँ बाप का भी जिक्र किया है। एक और स्लाइड के अंदर में हमने कहा है देयर आर फोर पीपल इन माई फैमिली, माई वाइफ। तो लेसन अल्ताफ वाइफ के बाद में एक वर्ड यूज़ किया गया है स्पाउस। क्या होता है ये? हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस। तो एक फीमेल अपने लिए लिख सकती है इफ़ शी इज़ मैरिड ऑलरेडी, तो शी कैन राइट माई स्पाउस मीन्स हस्बैंड। एक मेल अपनी वाइफ के लिए लिख सकता है माई स्पाउस मीन्स वाइफ। सो दिस वर्ड इज कॉमन। ओके, माई टू सन्स एंड माई सेल्फ। तो इस तरह भी एक इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है इन नेटशन। ये भी एक बिट इन्फॉर्मेशन थी। तो जो लोग मैरिड हैं, इसके अलावा आप लोग किसी को पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ से आप एज अ सर्विस जाते हैं कहीं स्लम एरिया में किसी एनजीओ में वर्क करने के लिए कि भाई हम एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट वी विल सर्व द कम्युनिटी, तो आप लोग अगर वहाँ कुछ इस तरह के लोग हों तो उनको वहाँ इस तरह से पढ़ा सकते हैं। यू शुड हैव दैट नॉलेज ऑल्सो, बट दिस नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर यू गाइज। The sensor fan is not working enough. Talk to wake. Talking about your brothers and sisters. Read the slide. अब यहाँ एक बात समझे मेरी पहले गौर से, यहाँ जो question this style में given है, how many brothers and sisters do you have? ये interview style में ही है ये question दरअसल। Interviewer इस तरह से पूछ सकता है, क्या check करने के लिए? ये check करने के लिए नहीं कि वाकई आपकी family में कितने लोग हैं, ये भी purpose हो सकता है। लेकिन इंटरव्यूअर का जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का पर्पस होता है, वो होता है टू नो योर कम्युनिकेशन। आर यू हेजिटेंट और नॉट? आर यू हेजिटेंट और ये बात चेक करने के लिए वो पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप क्या कह सकते हैं? सिंपली, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन यंगर ब्रदर, आई हैव वन एल्डर ब्रदर, ही इज इन US, he is in UK, he is in Canada, कुछ भी इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ कुछ examples दी हुई हैं। I am an only child, अगर आप एक लौते हैं, luckily सारी संपत्ति आपके नाम ही होने वाली है, ठीक है, $2 billion की संपत्ति अगर आपके ही नाम होने वाली है, तो you can say I am an only child. Are your brothers and sisters older or younger? Next question ये हो सकता है, are your brothers and sisters older और यंगर, यानी इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? वेयर आर यू इन द फैमिली, यानी आप
फैमिली के हायरार्की के अंदर कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो आप अपने बारे में बताएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स एंड वन ओल्डर सिस्टर, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, ये एक तरीका हो सकता है बताने का, ठीक है। आई जस्ट हैव वन सिस्टर हु इज 5 years ओल्डर देन मी, ओके। आई एम द मिडिल चाइल्ड, माई ब्रदर इज 2 years ओल्डर एंड I have a younger sister. I have one elder brother who is 2 years older than me. I have one elder sister and one younger brother. My sister is a teacher and my brother is a dentist or a doctor or lawyer, whatever you call. I have two brothers. Both are younger than me. Both are in school. तो कोई भी तरीका हो सकता है ये बात बताने का। तो आप लोग अब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए लिखना, लिखिए। नहीं, ये डिफाइन कीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी पेरेंट्स वाली फैमिली में। Do it fast. Improve your writing, or if it's bad. Yes. 3 years younger than me. What else? What else? और कुछ इतना ही लिखा है? Okay, no problem. Thank you. Yes, please. There are total 4 cousin brothers in my family, and all of them are married. So the elder brother has only one child. Are they cousins or your biological brothers? Cousins. In this lesson, only talk about your family. Only. So write down only about your biological brothers, sisters, what they are doing, how many years they are older than you or younger than you. Write down again. Siblings means biological. या फिर जिनके अंदर में father common रहे, okay? Can I write again? Actually, I did not write the exact age older than you. No problem. Read. I'll tell you. Make mistake. This is a class to make mistakes. Yes. I have 2 brothers and 2 sisters. I have 1 elder brother and 1 younger brother. My both sisters elder than me. I am at 4th in my sibling. I am at 4th place. 4th place. You can say I am the 4th. I am the 4th amongst all brothers and sisters. Amongst all of us. You can do. Simply, I am the 4th amongst all. सिबलिंग्स का जिक्र तो पहले आ गया ना, इस वजह से, ओके। बाकी मैं इसको सबमिट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इस डिटेल को। तो कीप इट विद यू। डू वन थिंग अल्ताफ, टेक द नेम्स एंड क्लास डिटेल एंड फोन नंबर डिटेल्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास ऑन द सेम डायरी, नो नीड टू टेक आउट। जस्ट गिव दैट डायरी टू एवरीवन, गिव दैट डायरी टू एवरी पर्सन। फोन नंबर, क्लास एंड नेम, ओके। Mehboob, till the time they are doing this part, come here in the middle of the row. No, no, not with that part. Come bare, without any notebook. In the middle, see the slide. Read loudly, they will repeat after you. Yes. I would like to thank Community in Reach Program, Department of Physical Education, AMU. Pause. Give them time to repeat. I would like to thank Community in Reach Program, Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication skills. Do one thing. Read 2-3 words only. Okay. Do once again. Yes, repeat all. I would like to thank Community in Reach Program. Arey bhaiya, repeat after him. Okay. Repeat. After him, yes, once again. I would like to thank Community in Reach Program, Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication skills. Once again. Okay.
once again. I would like to thank Community Enriched Program, Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication skills. हाँ वो भी है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताएंगे वहीं पर उसको, डोंट वरी अबाउट इट. यू प्लीज राइट, टेक योर सीट. निधि यू प्लीज कम एंड रिपीट द सेंटेंसेस. रिपीट. For giving me a chance to enhance my communication skills. अभी याद हुआ ना सबको? याद हो गया निधि? See the camera. No. Repeat नहीं करना, वो सुनाएंगी जी. Community Enrich Program. Department of Physical Education, AMU. To enhance my communication skills. Are you please come? Please come, huh? See the camera and repeat the sentences. Make mistakes. Just be cool and calm. Repeat. Yes. I would like to thank the Community Enrich Program. Department of Physical Education, for giving me a chance to enhance my communication skills. Try once again. Okay. I would like to thank the Community Enrich Program, Department of Physical Education, AAU, for giving me a chance to enhance my communication skills. Okay, repeat after me. Whatever I am going to say, repeat after me. I am going to talk about my family. In my family. Yes, say about your family. In my family, there are four people: my parents and me and my younger sister. Tell some detail. Okay. And my father is a driver, and I and my sister is pursuing degree in AMU, and my sister is pursuing the bachelor's in law, and I am pursuing the master's in physical education. Okay. 3 बार सांस ले लीजिए आराम से. परेशान तो नहीं हो रहे ना? नहीं. पता चला थोड़ा हेजिटेशन. देखो, या तो हेजिटेशन के साथ जीते रहो और 10-20 साल, या फिर इतने खत्म कर लो इस क्लास में. सब अपने ही तो लोग हैं, कोई आपकी लेग पुलिंग कर रहा है यहाँ पर. सब कितना अच्छे, कितना प्लीजेंट मूड में बैठे हुए हैं. इससे बेहतरीन जगह आपको लगता है मिलेगी लाइफ में? मास्टर्स में हैं आप. एजुकेशन गोइंग टू फिनिश. कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू, यही टाइम है. दीज आर द प्रेशियस मोमेंट्स. तो सांस ले लीजिए आराम से पहले 3 बार. अब क्या कीजिए, देखिए. अगर ये डर के साथ में आप जीते रहे, इसको कहते हैं एंग्लोफोबिया. ये जो लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो फोबिया है ना, लोग घबराते हैं. एंग्लोफोबिया लोग फ्लाइट में बैठे हुए हैं. 3-4-5 घंटे की फ्लाइट है. पानी नहीं मांगती एयर हॉस्टेस से. ये मैं आफ्टर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. लोग पानी नहीं मांगते बिकॉज ऑफ दे फील हेजिटेंट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. दे फील हेजिटेंट. तो ये फोबिया लाइफ टाइम आपके साथ रहे, कितनी गलत बात होगी. डिपार्टमेंट ने इतना एफर्ट लगाया है, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर द होल सेशन. आई एम हियर. ओके. आई हैव बीन ट्रेंड बाय इंटरनेशनल ट्रेनर्स. आई एम अ ट्रेनी एट द ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश हाई कमीशन डिवीजन. आई हैव बीन ट्रेंड बाय ब्रिटिशर्स द नेटिव स्पीकर्स. दिस इज व्हाई आई एम एबल टू स्पीक दिस वे. ओके. तो
take benefit, learn the things, learn the concept, learn the language, and try to overcome this public speaking fear, try to overcome this anglophobia. These are hesitation, remove it. Okay, khatam hua bhi, motivation mila, hai na? Say yes. Yes. I can do. Yes, I can speak. Yes, I can speak. I'm excited. अब बॉडी लैंग्वेज के साथ में एक बार और ट्राई करो, वो लाइंस बोलो, भूल जाओ चलेगा, गलत बोलो चलेगा. पहले ये लाइंस बोलो, फिर बोलो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई फैमिली, फिर फैमिली के बारे में स्माइल बॉडी लैंग्वेज के साथ में. अगर यहाँ सीख लिया ना तो लाइफ टाइम ये वर्कशॉप याद रहेगी, दिल दुआएं देगा. आप लोग तो बिजी हो जाओगे लाइफ में, लेकिन आपका जो ये दिल है ना, ये प्रार्थना, ये कहीं ना कहीं ये दिल बहुत अच्छा है ना, ये दुआएं देगा लाइफ टाइम डिपार्टमेंट को, मुझे भी दे सकता है. यस, स्टार्ट. I am clapping. It means it was wonderful. Okay, देखा, 2 मिनट बात की मैंने इस बंदे से, 2 मिनट I told him what the reality. 2 मिनट का असर है ये इस बंदे के ऊपर में. मतलब ये बंदा अगर कंप्लीट 30 आवर की ट्रेनिंग लेता है तो ये क्या से क्या हो जाएगा. People, his family will remain spellbound. His family, his colleagues, his friend circles, his friend circle, his classmates, his roommates would be shocked that Rahil, what's your name? Mehboob, from where you learned this technique, from where you got this transformation. Okay, talk about your family with body language. Now I am going to talk about my family. So there are 4 people in my family, my parents and me and my younger sister. So both of them are studying in AMU. My sister is in bachelor's degree in law and I am pursuing a master's in physical education. Thank you. Have seat. अब अगली बार आपको क्या लगता है, ये बंदा अगर यहाँ पर आकर बोलेगा तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा. 100% ये बात तय है. आज का जो ये एफर्ट है ये वेस्ट नहीं जाएगा, इट विल बी क्वाइट यूजफुल नेक्स्ट टाइम. ही कैन एनहेंस वेल. और यहाँ पर अल्ताफ एक बात बताते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बंदे के जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, ये वोकल कॉर्ड्स जो साउंड्स की जो निकलने की पूरी प्रक्रिया है, ये वोकल कॉर्ड्स, ये बहुत अच्छी है. ठीक है, यूट्यूब पर कोई लिमिट नहीं है, मैं कितने हज़ार वीडियोज़ देख चुका हूँ अभी तक, लिमिट नहीं है इस बात की. तो आप समझ सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस एट ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश हाई कमीशन डिवीजन. माय मेन टीचर वाज ल्यूसी निकोल्स. शी इज अ ब्रिटिश वूमन. ल्यूसी निकोल्स, शी इज अ ब्रिटिश वूमन. शी बॉर्न इन ब्रिटेन. शी स्टडीड, ब्रॉट अप इन ब्रिटेन एंड आफ्टर दैट शी हैज वर्क इन मैनी कंट्रीज. नाउ शी हैज बीन डेप्यूटेड स्पेशली फॉर इंडिया टू टीच इंडियन यूथ. सो आई वॉज in her group, so I learned so many things from her. You cannot find her on YouTube. Don't search on YouTube or Google. They are deputies of British Council. British Council, you know, British Council is run by UK government. It's not a normal institute. It's run by UK government's whole management is from London. So they are not available on YouTube. So this is why I was saying, take benefit from the trainer Umar Zameer. Fantastic. Yes, please. Nidhi, you please come with body language, say thank to the department and then start. Community in reach program. Department of Physical Education, AMU. Helper. Giving me a chance to enhance my communication skills. There are 4 members in my family, my father, mother, and my younger brother and me. My father is a farmer and my mother is a housewife. And I am 3 years older than my brother. Thank you. Thank you. Have a seat. Anyone else would like to come? Yes, please come. Clap for him, for his courage. Because he raised his hand by himself. So like, I like this spirit. Yes. There are 10 people in my family, 4 brothers and 4 sisters,
and also my mom and dad. आप यकीन जानिएगा इस बंदे के अंदर आज ही की क्लास में इम्प्रूवमेंट आ गया है। इस सेम पर्सन ने अभी वहाँ खड़े होकर एक प्रेजेंटेशन दी थी। निधि कैन यू सी द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस रियली। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, आई सल्यूट यू। कीप दिस स्पिरिट अलाइव, कीप वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट। अल्ताफ यू प्लीज कम, कम इन द मिडल, इन द मिडल। I would like to thank the community in this program, Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication skills. Now, I'm going to talk about my family. There are 8 people in my family. I have 2 brothers and 2 sisters. I am married and my parents, of course. नहीं नहीं बताइए, डिटेल बताइए थोड़ी सी। I have an elder brother, he is doing job in UAE, and my younger brother is doing graduation from AMU, and I am pursuing research from the Department of Physical Education, AMU, and I have 2 sisters, both are married. मैं एक बात बताता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है? अगर आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा अंदर कीजिए, इससे है ना, सीधा करिए, ठीक है? इस तरीके से रखते हैं, और ये जो घुटने हैं ना दोनों नी आपके, इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ा टाइट, थोड़ा सा टाइट। क्रिकेट में वो क्या बोलते हैं, इंस्टेंस पोजीशन, इंस्टेंस पोजीशन, सॉरी। एक्चुअली आई हैव लेस नॉलेज अबाउट दैट, आई एम सेइंग एज यू आर सेइंग एक्सटेंस, बट द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एस। I have quite less knowledge about sports because of position, instance position जो क्रिकेटर की होती है ना, उस पोजिशन में अगर आप खड़े होते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट, क्योंकि ना बैक भी आपकी स्ट्रेट रहती है, ये पार्ट आपका स्ट्रेट रहता है, ये पूरा, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप। एक तो ये सिद्धांत है, रूल है, ये मंत्रा है। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर में एक बात को याद रखना है हमेशा, जब भी आप कहीं पर बोलने जा रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हों, आप एक रात पहले किसी जगह बोलने, ऐसा होगा अभी लाइफ में, बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत लंबा करियर है, 30 32 35 साल भी आप लोगों की एज, आई थिंक नॉट मोर देन 25, बिलो 25, सो अराउंड 35 ईयर्स तो है ही आपका करियर। तो लैंग्वेज जब भी इंग्लिश की बात आएगी, तो जितना आप यहाँ पेन देंगे प्रैक्टिस करते हुए, अपने आप आपके वर्ड्स अच्छे निकलेंगे, समझने वाला फील करेगा, वो ये समझेगा कि वाकई इस बंदे को आता है, और आपको आ भी जाएगा इन टेक्निक्स के थ्रू। तो टेक्निक्स होते हैं ना, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग का मकसद यही है कि टेक्निक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल सिखाई जाए, ना कि थ्योरी। ओके, सो इट्स टाइम टू वाइंड अप, हैव योर सीट। योर प्रेजेंटेशन वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड, ओके, इट वॉज वंडरफुल। यू हैव ऑल्सो अचीव्ड अ माइलस्टोन, यू हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड some miles in your journey of learning communication. Okay, always smile, ठीक है? अच्छा, मुझसे और क्या चीज़ सीख सकते हैं आप? ये तो स्लाइड्स हैं, ठीक है, अब हर बात स्लाइड पर नहीं होती है, यू नो, हर एक बात को स्लाइड पर नहीं लिखा जा सकता। जैसे अभी मैंने क्या बात अभी बोली थी, ऑलवेज स्माइल, तो मैंने ऑलवेज को कैसे बोला, ऑलवेज, एक तो ये बात हो गई, ऑलवेज मैंने बोला, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज फोकस भी किया, स्ट्रेस भी बनाया, ठीक है, ऑलवेज स्माइल, ठीक है, इसको बोलते हैं राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, यही है हमारा मॉड्यूलेशन। तो ये चीज़ आपको सीखनी है मुझसे अभी फिलहाल, तो मुझसे सीख सकते हैं आप, ठीक है, ग्रेजुअली और टेक्निक्स में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर हैविंग मी एज योर ट्रेनर, एज योर होस्ट और एज योर टीचर, व्हाटएवर यू कॉल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ब्यूटी टू दिस गॉर्जियस beautiful platform, and thank you for being the part of community in reach program. Thank you so much. We'll meet on Saturday at the same time with the same energy. Thank you so much.